आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ रुपए हैं और ये तीनों मिलकर निसाब को पहुंच रहे हैं, तो क्या इन तीनों को मिलाकर जकात निकालना दुरुस्त है? और तीनों में से तनहा कोई निसाब को नहीं पहुंच रहा है। ये एक सवाल है कि सोना, चांदी, रुपए तीन चीज़ें हैं, तो इन तीनों में कोई भी एक चीज़ निसाब को नहीं पहुँच रही है, तो क्या मिला के निसाब को पहुँचा के जकात निकाल सकते कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पे असल सवाल का जवाब देने से पहले मैं वाजे कर दूँ कि अगर कोई जकात निकालना चाहता है, यानी ऐसे ही सदका करना चाहता है, देना चाहता है, तो ये जो सवाल पूछा जा रहा ना कि जकात निकालना दुरुस्त है कि नहीं, मतलब सवाल में ये दिख रहा है कि ऐसा जायज़ है कि नहीं। देखिए, अगर आप जायज़ की बात करेंगे तो उसमें कोई हद नहीं है। आपके पास एक रुपया हो, निकाल दिए आप सदका खैरात कर दे, कोई मसला नहीं, वो वाजिबी सदका नहीं होगा, लेकिन जायज होगा। आपके पास सोना है, गर्चे निसाब को नहीं पहुंचा। आपके पास चांदी है, गर्चे निसाब को नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आप जकात देना चाहते हैं, अल्लाह की राह में कुछ देना चाहते हैं, तो दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? ये तो कोई नहीं कह सकता कि वो चीज नाजायज है। तो अगर किसी के जहन में ये है कि अगर सोना जब तक निसाब को नहीं पहुंचा जकात निकाल ही नहीं सकते, चांदी निसाब को नहीं पहुंची जकात निकाल ही नहीं सकते, रुपये का एक खास निसाब नहीं है इसलिए रुपए में जकात दे ही नहीं सकती, ये गलत बात है। ये फर्ज जकात नहीं आप पर वाजिब है, लेकिन बतौर तत्व्वो नफली तौर पर आप जितना चाहे दे सकते हैं, सोने में से, चांदी में से, पैसे में से। तो ये चीज़ है जो मैंने आपके सामने वाजी कर दी। अब जो आपका असल सवाल है कि सोना है, चांदी है और पैसा है, तो ये तीनों अलग अलग हों तो निसाब को नहीं पहुंच सकते। देखिए, सोना और चांदी इन दोनों को तो आप नहीं मिला सकते, लेकिन सोना और पैसा और चांदी और पैसा इनको आप मिला सकते हैं। सोना चांदी इन दोनों को तो एक साथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन सोना और पैसा है तो पैसे को चूंकि सोने या चांदी ही से के साथ मिलाया जाता है, तो आपके पास अगर सोना है तो उसके मुकाबले में रुपया है तो समझे वो एक ही चीज़ है, तो सोने के साथ रुपये मिला सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपके पास चांदी है और पैसा है तो इनको मिला के आप निसाब को पहुँचा सकते हैं। तो सोने के साथ पैसा मिला सकते हैं और चांदी के साथ भी पैसा मिला सकते हैं, निसाब को पहुंचा के जकात निकालना होगा, लेकिन सोना और चांदी इन दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं मिला सकते। इन दोनों को अलग अलग हर एक के साथ पैसे रुपए मिला सकते हैं, क्योंकि रुपए असल में इसी जुमरे में आते हैं, क्योंकि रुपए असल में इसी नकोदी के जुमरे में आते हैं। या तो सोने के साथ उसको मिलाया जाता है या चांदी के साथ मिलाया जाता है, इसलिए चांदी का निसाब रुपये से मिला के पूरे करेंगे या सोने का निसाब रुपये से मिला के पूरे करेंगे। उम्मीद है कि आपको जवाब। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।